आचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरो देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो क्षण भगवान नाम संकीर्तन का सहारा लेते हैं, तत्पश्चात कथा में आगे बैठी हुई सभी माताओं से निवेदन है कि कृपया कोई भी बात ना करें। आगे बैठे सभी माताओं से निवेदन है कृपया कोई भी बात ना करें। करुणामयी ममतामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी तेरी पावामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा मेरी दया मई राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दया Oh,
परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय अकर्तुम कर्तुम सर्व सामर्थ्य श्री बांके बिहारी लाल एवं रघुकुल कमल दिवाकर सूर्य वंश शिरोमणि श्री राजा राम कनक बिहारी सरकार एवं परम आराध्या अष्ट सखी प्रिय वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान अनंत बलवंत भागवत कथा के रसिक श्री हनुमान जी महाराज एवं श्रीमद श्री बांके बिहारी लाल की वाग्मी स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इस कथा पंडाल में आए सभी संतगण विप्रगण एवं श्रोतागण के हृदय मानस पटल में विराजमान मेरे गोविंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और जहाँ तक इस पावन कथा की ध्वनि गूंज रही है उन सभी को मेरा जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय
संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया है सच्चिदानंद का। सच कहिए जो बिन सेना
स्मरण संकीर्तन इत्यादि करने से इन तीनों प्रकार के तापों से मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसे गोविंद के चरण कमलों में हम कोटि कोटि प्रणाम। अब हम कथा तो श्रवण कर रहे हैं, परंतु मन में तो सभी के प्रश्न आया होगा कि ये भागवत है क्या, जिसे हम सुन रहे हैं ये चीज है क्या, ये वस्तु है क्या। तो यहाँ पे भागवत जी में प्रमाण दिया हुआ है। भागवत जी में क्या लिखा है व्यास जी ने, स्वकीयं यत् भवेत् तेजस्तच्च भागवते दधात्। स्वकीयं अर्थात उद्धव जी के प्रार्थना करने पर स्वकीयं अपने तेज को, तेजस अपने तेज को यत् तच्च भागवते दधात् भागवत में रख दिया था। किसने? उद्धव जी के प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण ने। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि श्री कृष्ण ने उद्धव जी की प्रार्थना करते से अपने तेज को श्रीमद् भागवत में रख दिया था, इसलिए तेने यम वांग्मयी मूर्ति, ये उनकी वांग्मयी मूर्ति है, प्रत्यक्षा वर्तते हरे, इसके कण कण में भगवान की श्याम लता विराजित है और यह भगवान की वांग्मयी मूर्ति। यहाँ भागवत जी में प्रमाण दिया हुआ है मैया, और भी कई संतों ने इसके समाधान निकाले। दूसरा पुराणम च पंचमो वेद उच्यते और भगवता प्रोक्तम इति भागवतम भक्तानां चरित्रम भागवतम भगवत्या प्रोक्तम इति भागवतम। अर्थात भगवत्या प्रोक्तम इति भागवतम, भागवती की वाणी जिसमें विराजमान हो वो भागवत है। दूसरा किसकी? भगवता प्रोक्तम, भगवान की वाणी जिसमें विराजमान है वही भागवत है। और तीसरा भक्ता नाम चरित्रम भागवतम, अर्थात जिस ग्रंथ में हरि के भक्तों की चर्चा हो जाए वही भागवत है। ये भागवत के अर्थ बताए गए हैं। पुराणों में श्रीमद् भागवत को पंचम वेद माना गया है, इसलिए यह श्रीमद् भागवत पंचम वेद का ही स्वरूप है। इतिहासं पुराणं च पंचमो वेद उच्यते। मैया यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है, महाभारत और श्रीमद् भागवत में क्या अंतर है? महाभारत में इस संसार के संबंधियों की चर्चा है और श्रीमद् भागवत में भगवान के भक्तों की चर्चा है। बोला भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भागवत जी का एक बड़ा सुंदर और सरल अर्थ भी है, भ से भक्ति, ग से ज्ञान, भ से भक्ति भाष्यते इति शास्त्राणि, जिसे ये शास्त्र कहते हैं, और ग से ज्ञान, गीयन्ते नारदः दिया, जिसे नारद जी ने प्रदान किया, व से वैराग्य, वैराग्येन परिपूर्यन्ते, जिस ग्रंथ में वैराग्य परिपूर्णतम विराजमान है, और चौथा तासे त्याग, तरंतते मानवाः, जिससे व्यक्ति तरता है। बोला भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये चीजें क्रम वाइज होनी चाहिए जीवन में, तभी हमें हरि की प्राप्ति हो सकती है, नहीं तो हरि की प्राप्ति, इन चारों के बिना हरि की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्री हरि ने लोक मंगल के लिए दो
गंगा जी। और मुखारविंद से जो धारा प्रकट करी है वह है श्रीमद् भागवत। बोल भागवत पुराण की। मैया यम प्रव्रजन्तमनुपे तमपे तकृत्यम् द्वैपायनो विरह कारयाजु हावे पुत्रेति तनमे तया तरवो सर्वभूत हृदयम् मने मान तोष्मि मैया। आज हम परम भागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए आगे कथा में बढ़ते हैं। कल हम इनकी विस्तार पूर्वक कथा श्रवण करेंगे। द्वापर के अंत में 88,000 ऋषियों ने दीर्घकालीन सत्संग किया और सूत जी को व्यासपीठ पर विराजमान करके उनसे 5 श्लोकों के माध्यम से प्रश्न किए। प्रश्न में क्या पूछते हैं? अज्ञान ध्वांत विधवंश। महाराज हमारी आंखों पे ये अज्ञान का पट्टा जमा हुआ है। हमारी ये जो आंखें हैं इस पे अज्ञान का पट्टा है। जब तक ये अज्ञान का पट्टा नहीं हटेगा तब तक हरि की प्राप्ति तो हो नहीं सकती। और ये अज्ञान का पट्टा हटेगा कैसे? तो ये ऐसे हटेगा कि जब हम हरि की लीला श्रवण करेंगे। क्योंकि आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है हमारे इस अज्ञान के पट्टे को हटाने के लिए। अज्ञान ध्वान्त विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। इसलिए हे सूत जी महाराज आप हमें ये श्रीमद् भागवत ये हरि की कथा श्रवण कराइए। और क्या कहते हैं? कथा भी नहीं, आप कथा को छोड़िए क्योंकि ये जो कथाएं हैं ये बहुत उलझी हुई हैं। इन्हें पढ़ो तो ये जो कथाएं हैं ये बहुत उलझी हुई हैं, समझ नहीं आएंगी व्यक्ति को। इसलिए आप इन सब का निचोड़ सुनाइए, इन सब का सार सुनाइए। और क्या पूछते हैं? भक्ति ज्ञान विराग्य। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए क्या वैष्णव जन क्या करते हैं? और पूछते हैं कि माया मोह निराश्री व वैष्णवी क्रियते कदम। माया मोह से छुटकारा पाने के लिए वैष्णव जन क्या करते हैं? महाराज यह घोरे कलुप्रायो ये घोर कलयुग आ गया है। जीवश्चासुरतामगतः ये जीव अब असुर के समान हो रहे हैं। और क्लेशाक्रांतस्यतस्यैव ये सभी नाना प्रकार के क्लेशों से परिपूर्ण हो गए हैं। और शोधने किं परायणम् इनके शोधन का कारण क्या है? इनके शोधन के लिए क्या हमें करना चाहिए? मैया इस प्रकार प्रश्न किया। एक प्रश्न कहते हैं महाराज कृष्ण प्राप्ति कर्म शश्वत। श्री कृष्ण की प्राप्ति करने का सबसे शाश्वत और साधनं तद्वदा
पावनानां च पावनम्। पावनों में भी पावन हो ऐसा श्री कृष्ण को प्राप्त कराने वाला साधन बताइए। बोल भक्तवत्सल भगवान की मैया। अब अंत में क्या कहते हैं? अब आपको ये जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि जब प्रश्न स्टार्ट किए तब भी पहले एक बार उनकी प्रशंसा कर दी, सूत जी की प्रशंसा कर दी, और अब जब प्रश्नों को विराम दे रहे हैं तब भी एक बार प्रशंसा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? महाराज, गुरु कृपा के बिना तो कोई चीज सुलभ नहीं होती, और आपके ऊपर तो सर्वत्र गुरु कृपा विराजित है, इसलिए आपके लिए कोई भी कार्य, आप किसी भी कार्य को करने में सक्षम, आप किसी भी कार्य को करें तो वह बिल्कुल सही ही है। आप किसी भी कार्य को करने में सक्षम हैं। मैया, यहाँ क्या कह रहे हैं? आपके ऊपर तो सदा गुरु कृपा है, इसलिए आप ही हमें कथा सुनाइए, और साथ ही गुरु कृपा से होता क्या है? चिंता मणि रलोक सुखम। चिंतामणि, ये जो चिंतामणि है, यदि किसी को चिंतामणि मिल जाए तो उसके चिंतन मात्र से आप जो वस्तु प्राप्त करना चाहें वह आपको तत्क्षण प्राप्त हो जाए। परंतु आपको वो तो तत्क्षण प्राप्त हो जाती है, और एक है कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष के सामने कल्पना करो, वस्तु सामने, ये कल्पवृक्ष का चमत्कार है। परंतु क्या इन दोनों में ये सामर्थ्य है कि ब्रह्म साक्षात्कार करा दे? यदि कोई इन दोनों से कह दे कि हमें परमात्मा का दर्शन कराओ, तो क्या ये दोनों परमात्मा का दर्शन करा सकते हैं? नहीं, ये भगवान का दर्शन नहीं करा सकती, क्योंकि इनमें वह सामर्थ्य नहीं है, इनमें ब्रह्म साक्षात्कार कराने का सामर्थ्य नहीं है। ये सामर्थ्य तो एकमात्र गुरु कृपा प्राप्त शिष्य में ही होता है, जो इस भव सागर से हमें पार कर कन्हैया के पास पहुंचा देता है। ये सामर्थ्य तो गुरु कृपा में ही मैया। प्रश्न सुनकर प्रसन्न हुए सुखदेव जी। सूत जी बोले, राजन, महाराज आपके प्रश्न तो बड़े सुंदर हैं, इसलिए मैं आपको इस संसार के भय का नाश करने वाला वह पावन ग्रंथ सुनाऊंगा जो समस्त पापों को हरने वाला है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। और समस्त ग्रंथों का, समस्त कथाओं का सार भी है। इस प्रकार प्रारंभ किया वाचन। सूत जी कहते हैं, महाराज सबसे बड़ा यदि इस कलयुग का, यदि इस पृथ्वी का कोई भय है तो वह है मृत्यु का। बताओ मैया, मृत्यु का भय किसको नहीं रहता? मृत्यु का भय सबको रहता है। तो आज यही सूत जी कह रहे हैं, सबसे बड़ा मृत्यु का है भय, और इसी मृत्यु के भय को नाश करने के लिए मेरे गुरुदेव परम भागवत महाभागवत परमहंस श्री सुखदेव जी ने इस कथा को, इस श्रीमद् भागवत को कलिकाल में प्रकट किया है। मैया, सूत जी कहते हैं कि जो आया उसका जाना तो सुनिश्चित है, तो इसीलिए मेरे गुरुदेव ने ये इस कलिकाल में कथा प्रकट करी है।
अब मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ। इस प्रकार कहकर सूत जी कहते हैं, एक बार जब मेरे गुरुदेव राजा परीक्षित की सभा में कथा सुनाने के लिए विराजित हुए, उस समय वहां पे देवताओं को ही पता चल गया। देवता अमृत का घड़ा हाथ में लेके पहुंच गए। जाकर के कहा, महाराज ये लीजिए, ये अमृत ने पिला दीजिए, कथा अमृत में पिला दीजिए। ये बताओ, अमृत का कलश ले गए और बोले, महाराज ये अमृत परीक्षित को पिला दीजिए, कथा अमृत हम लोगों को पिला दीजिए। सुखदेव जी समझ गए, क्योंकि स्वकार्य कुशलाः सुरा, सुर अपने कार्य को, सुर अर्थात होता है देवता, देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल है। तो सुखदेव जी समझ गए कि ये देवता अपना काम बनाने में कुशल हैं। दधीची बाबा के पास गए, खूब ज्ञान का ज्ञान के बारे में बताया और फिर अंत में हड्डियां ही मांग के ले आए। दाजी जी बाबा से हड्डियां ही मांग के ले आए महाराज। अब बताओ ये सही है क्या? इसलिए देवताओं को कहा गया स्वकार्य कुशलासुरा, अपना काम बनाने में बहुत कुशल है। मैया और क्या, सुखदेव जी मनी मन विचार करने लगे, जब गरुड़ को जरूरत थी तब तो दिया नहीं, आज हमने ना हमने बुलाया ना परीक्षित ने पुकारा, फिर ये कहां से आ गए, किसके बुलाने से आए? जब गरुड़ को मैया, वनीता और कद्रु ये दो बहनें थी, इनमें होड़ लगी हुई थी। वनीता हार गई जो गरुड़ की माता जी थी और कद्रु सर्पों की माता थी। अब वनीता हार गई, कद्रु ने उन्हें अपनी दासता दे दी कि तुम मेरी दासत्व स्वीकार करो, तुम्हें मेरे दासत्व करना है, जब तक तुम मुझे अमृत ला कर नहीं दे देती तब तक तुम्हें मैं इस दासता से मुक्त नहीं करूंगी। इस प्रकार महाराज अब इधर सर्प माँ है उनकी दास, तो गरुड़ जी महाराज भी दास उनके रह गए, सर्पों की सेवा करनी पड़ती। सर्प उनकी पीठ पे चढ़ के कहते, भैया उड़ो, जहाँ जाना है वहीं उड़ाते थे। अब महाराज परेशान हो गए। अब उन्होंने क्या किया, एक दिन अपनी माँ के पास गए और बोले, महाराज माँ अब मैं इस दासत्व से मुक्ति चाहता हूँ, बताओ हमें क्या करना है। माता बोली, तुम्हें स्वर्ग का अमृत लाना पड़ेगा। उन्होंने हाँ कर दिया, हाँ मैं ले आऊंगा। चले गरुण चले गए, भयंकर युद्ध हुआ, इंद्र और गरुण के मध्य भयंकर युद्ध हुआ और अंत में गरुण ने अमृत छीन लिया। अंत में गरुण अमृत छीन लिए और अब फिर चिल्लाकर अंत में कहा इंद्र ने, अरे रुको, तुम जिसे ये अमृत देने जा रहे हो, यदि उन्होंने ये अमृत पी लिया तो सर्वनाश हो जाएगा। अच्छा तो समन्वय हुआ, भगवान श्री कृष्ण भगवान हरि नारायण प्रकट हुए और उन्होंने एक उपाय निकाला। सुनो, पहले ये अमृत ले जाकर के कद्रु के हाथ में देंगे, पहले गरुड़ अमृत ले जाके कद्रु के हाथ में देंगे, तभी इंद्र आप अंतर ध्यान मुद्रा में आना और अमृत चुराना। इस प्रकार इनकी माता जी को दासत्व से भी मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार गरुण की माता को भी कद्रु की दासता से मुक्ति मिल जाएगी। अब गरुण अमृत लेकर के गए, कद्रु को थमाया, इधर पीछे से आए इंद्र और अमृत लेकर अंतर ध्यान।
बोला भक्त वत्सल भगवान की। आज सुखदेव जी भी यही सोच रहे, जब गरुड़ को जरूरत थी तो इतना बड़ा युद्ध किया, और आज जब हमने बुलाया ही नहीं, न परीक्षित ने बुलाया न हमने पुकारा, फिर पता नहीं ये किसके बुलावे से आ गए। मैया, सुखदेव जी समझ गए कि ये देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल हैं। दधीची बाबा के पास गए, धर्म का व्याख्यान किया और हड्डियां ही मांग के लिए, ये अपना काम बनाने में बड़े कुशल हैं। अर्थात इनके मन में कुछ तो चल रहा है, पहले समझ गए और फिर बाद में कहा, मन में सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? वह सुधा को कथा लोके कहां कांच और कहां मूल्यवान मणि, कहां कांच और कहां मूल्यवान मणि, बताओ मैया। कोई कांच के टुकड़े को मणि का आकार दे दे तो क्या वो मणि बन जाएगी? नहीं, मणि तो मणि ही है जो बहुमूल्य है। और यहां वही सुखदेव जी सोच रहे हैं कि कहां कांच का टुकड़ा और कहां वो मूल्य मणि। ये जो तुलना होती है, ये सामान्य व्यक्ति सामान्य चीजों में, सामान्य व्यक्तियों में, सामान्य वस्तुओं में होती है, परंतु यहाँ तो कोई समानता है ही नहीं। एक तरफ है कांच का टुकड़ा और एक तरफ है बहुमूल्य मणि। अब बताओ महाराज, सुखदेव जी ने सोचा ये कथा मृत के योग्य नहीं है, इसलिए डांट के भगा दिया। क्या बोले? हंसी उड़ाई, हे देवताओं, आप इस कथा में यदि श्रोता बनकर आते तो मैं अवश्य ही ये कथा सुनाता, परंतु आप श्रोता नहीं बनकर आए, आप तो व्यापारी बनकर के आए हैं, और व्यापारी भी नहीं, सौदागर व्यापारी सब छोड़ो, आप तो ठग बन के आए हैं। सामान्य वस्तुओं में तुलना होती है, इन दोनों में तो कहीं से समानता नहीं, इसलिए डांट कर भगा दिया कि आप इस कथामृत के योग्य नहीं। रूठ करके सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी से शिकायत करी, बोले महाराज देखो हम गए तो हम देवताओं को महाराज सुखदेव जी ने कथा सुनाई नहीं, हमको ऐसे ही डांट के भगा दिया, और वहां जो श्रोतांगण बैठे मनुष्य बैठे उनको ये कथा सुना रहे, हमको सुनने ही नहीं दिया, हमने कथा मांगी तो दी नहीं। अच्छा महाराज, परंतु आज ब्रह्मा जी ने भी एक ही निर्णय निकाला। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि पहले देखो परीक्षित का मोक्ष होता है, जब परीक्षित का मोक्ष होगा तब मैं कुछ निर्णय लूंगा। 7 दिन पश्चात जब परीक्षित का मोक्ष हुआ, तब पूरा धातापि विस्मिता, पूर्व काल में धातापि अर्थात विधाता ब्रह्मा भी विस्मित हो गए थे। जब 7 दिन बाद परीक्षित का मोक्ष हुआ, तब कौन विस्मित हुआ था? विधाता ब्रह्मा, विधाता ब्रह्मा भी विस्मित हुए थे, और फिर उन्होंने अपने लोक में जा करके एक तुला बांधा, एक पल्ले पे रख दी श्रीमद् भागवत, एक पे रख दी सारे मुक्ति साधन, और उसके बाद तौल हुआ, तो तौल में सारे मुक्ति साधनों पर सर्वपरि श्रीमद् भागवत पड़ा। उसी समय सभी जितने भी ऋषिगण थे, देवगण थे, सभी ने एक साथ सभा में ये प्रस्ताव रखा, ये निर्णय किया कि ये श्रीमद् भागवत भगवान का वांग्मय स्वरूप है, इसमें इसके एक एक शब्द में हरि की श्यामलता विराजित है, इसलिए इसके कलयुग में पठन श्रवण इत्यादि से जीव को यह वैकुंठ पद की प्राप्ति कराएगा। बोला भक्तवत्सल भगवान की। मैया, इस
संकेत नहीं दिया, अर्थात देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और दूसरा, जब आज सभी मुक्ति साधुओं पर सबसे भारी पड़ा, तो यहाँ ये सिद्ध हुआ कि ये श्रीमद् भागवत सभी मुक्ति साधनों पर भी सर्वोपरि है। बोल भक्तवत्सल भगवान, बोल राधा रमण सरकार की जय हो। अब महाराज शौनक जी ने पूछा, सूत जी एक बात बताइए, जब ये कथा इतनी सुंदर है, रसमयी है, तो फिर इसे 7 दिन ही क्यों सुनते हैं? इसे हो सकता है 11 दिन सुने, 15 दिन सुने, 1 महीना सुने, 1 साल भर सुने, 2 महीना सुने, 4 महीना सुने, परंतु इसकी ये 7 दिन वाली परंपरा कहाँ से शुरू हुई? इसकी ये जो 7 दिन की परंपरा है, ये कब से शुरू हुई? मैया जैसे ही ये प्रश्न आया तो क्या बोले, सूत जी बोले, महाराज इसकी ये 7 दिन की परंपरा सनकादिकों ने नारद जी को कथा सुना के शुरू करी थी। अच्छा महाराज, फिर प्रश्न किया, नारद जी तो एक क्षण कहीं टिकते नहीं, गोदवन काल से ज्यादा तो कहीं टिकते नहीं, तो उतनी देर में तो कथा हो नहीं सकती थी, तो फिर उन्होंने इतनी जल्दी कथाएं कैसे श्रवण की? यद्यपि तो उन्होंने कथा सुनी ही रखी थी, परंतु फिर जब नारद जी कहीं टिकते नहीं, तो उन्होंने ये कथा 7 दिन एक जगह बैठ के कैसे सुनी? तब सूत जी कहते हैं, अब मैं आपको वह प्रसंग सुनाता हूँ जो मेरे गुरुदेव सुखदेव जी ने मुझे उनका अनन्य शिष्य मानकर सुनाया था। अच्छा, प्रसंग सुनाना प्रारंभ किया, क्या बोले? एक बार बद्री विशाल में चारों भाई सनकादिक सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे, तभी थोड़ी दूर से किसे देखा, थोड़ी दूर से नारद जी को आते देखा। सोचा आज तो बड़ा आनंद आ गया, नारद जी के साथ खूब सत्संग करेंगे। परंतु जैसे पास गए तो क्या देखा, नारद जी का तो मुकम्मल ही मुरझाया हुआ है। ये जैसे ही देखा तो विचार करने लगे, अरे जो ऋषि इस संपूर्ण संसार की चिंता का नाश करते हैं, हरि के भजन में संलग्न रहकर हंसते मुस्कुराते नारायण नाम का जाप करते हैं, ऐसे ऋषि का मुक्कमल आज मुरझाया, क्या बात है? और पास गए और पूछा, क्या बात है महाराज नारद जी, आपका ये मुक्कमल इस तरह क्यों मुरझाया है, हमें कारण बताइए, क्या कारण है आपका मुक्कमल मुरझाया है? इस समय आपका जब हम मुक्कमल देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी महाकृपण महाकंजूस का पूरा घर ही खाली हो गया, एक रुपया किसी को देता नहीं था, पूरा घर ही साफ हो गया। इस समय आपका मुंह बिल्कुल वैसा लग रहा है, आप अपनी चिंता का कारण बताइए, आप इतनी भागा दौड़ी में किधर को जा रहे हैं, किधर से आ रहे हैं, ये सब भी बताइए। महाराज आप तो सर्वोपरि संत हैं, फिर आपका मुक्कमल इस तरह क्यों मुरझाया है? मैया ये बात सुन करके अब सनकादि क्या कहते हैं, सनकादि कहते हैं, महाराज और पहली बात, संत महात्माओं का धन क्या है, एक ही धन है भगवान का नाम, तो अब आपका मुक्कमल क्यों मुरझाया है, क्योंकि आपका तो धन एक ही है, क्या धन है जरा एक बार वृंदावन जाइए और देखिए माताओं क्या है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम
राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 परम धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा रसिक धन राधा 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 रसिक धन राधा 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 संतों की प्यारी राधा 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 संतों की प्यारी राधा 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 झूम के हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा सरकार की हो भागवत भगवान की प्यारी राधा श्री राधा 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 शुभन दुलारी राधा 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 श्री राधा शुभन दुलारी राधा 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 तीरथ की लाली राधा 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 श्री राधा तीरथ की प्यारी राधा 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा कृष्ण की प्यारी राधा 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 तीरथ की लाली तीरथ की लाली राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा Shri Radha, Shri Radha, Amaro Dhan Radha, 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 Shri Radha, Shri Radha, Jai Jai Shri Radhe, Jai Jai Shri Radhe, Jai Jai Shri Radhe. गोदावरी गया गंगा तट गया मैं कहां नहीं गया
मैं हर जगह हर स्थान हर तीर्थ हर जगह गया पर मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली और न ही वो सत्संग का आनंद ही मिला। मैं तो इस पृथ्वी पे आया था इसे सर्वोत्तम लोक मान के कि यहाँ पे लोग भजन संकीर्तन करते होंगे, पर यहाँ तो और भी क्रांति मची पड़ी। मैया नारद जी की बात सुनकर सनकादि बोले, अच्छा नारद जी इस प्रकार चल रहा है पृथ्वी लोक पर हम तो यहाँ बद्री विशाल है, हमें तो यहाँ खूब सारे सत्संग मिले भजन करते हुए। तब नारद जी कहते हैं, मैं तो हर तीर्थ पे गया परंतु फिर भी मुझे कहीं भी शांति संतोष नहीं मिली। फिर मैंने सोचा हो सकता है संतों के यहाँ मिल जाए, संतों के यहाँ गया तो संतों के यहाँ तो और बड़ा कौतुक, संत तो पाखंडी हो रहे हैं। पहले जितना भैया क्या कह रहे हैं नारद जी, पहले जितना विरक्त होते थे उतने ही विशिष्ट माने जाते थे, श्रेष्ठ माने जाते थे, परंतु आज जितना वैभव संपन्न होता है उतने ही विशिष्ट माने जाते हैं। भैया और क्या कह रहे हैं, और कह रहे हैं, एक जगह मैं गया तो वहां से बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। मैंने किसी से पूछा, भैया ये बच्चे कहाँ रो रहे हैं, तो बोले मौनी बाबा के घर रो रहे हैं। अच्छा महाराज, मैंने देखा एक जगह बड़ा बंगला बना था, मैंने कहा भैया ये बंगला किसका है, तो विरक्ति बाबा का है, विरक्त बाबा जी का है। और एक जगह मैं गया, इस तरह मैं पूरी पृथ्वी पे घूमा परंतु मुझे कहीं भी शांति और आनंद का सत्संग नहीं मिला। फिर मैं सीधा श्री राम वृंदावन गया, श्री राम वृंदावन में मैंने एक और दृश्य देखा। क्या देखा? तत्र आश्चर्यमया दृष्टम श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निषण्णा मैया। नारद जी कहते मैंने वहां देखा एक तरुणी युवती आंखों में आंसू लिए बैठी है, अश्रुपात कर रही है और उसके गोद में दो बूढ़े अचेत अवस्था में पड़े हैं। मैंने सोचा चलो इनकी दुखों को दूर किया जाए, चलते। परंतु मैंने सोचा कि ये स्त्रियां भाव प्रदान होती हैं। कभी मैंने कहा देवी आप कौन हैं, क्यों रो रही हैं, आपके दुख का कारण क्या है, तब तक कुछ उल्टा जवाब दे दिया तो ऐसा विचार करके वापस लौटने लगे। तभी उन देवी ने उन्हें देख लिया और आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम हे महाराज रुकिए, एक क्षण रुकिए, हमें हमारी चिंता का भी नाश करते जाइए। तब नारद जी पुनः लौट के गए, जाकर पूछा देवी तुम कौन हो, यहाँ क्यों बैठी हो, ये कमल नैनी स्त्रियां कौन हैं और ये बूढ़े अचेत कौन हैं। तब अपना पूर्ण परिचय देती हैं कि ये दोनों मेरे बेटे हैं ज्ञान वैराग्य, मेरा नाम है भक्ति और ये सारी नदियां हैं, ये सारी स्त्रियां नदियां हैं, गंगा आदि नदियां हैं। भैया उन्होंने विस्तार से अपना परिचय बताया और अब क्या महाराज नारद जी ने कहा, देवी आप तो वृंदावन के संयोग से तरुणी हो गई परंतु आपके ये जो ये पुत्र हैं ये यहाँ भी आकर के तरुण नहीं हुए।
कोई ज्ञान वैराग्य को पूछेगा ही नहीं तो वो ठीक कैसे हो? आज वही बात कह रहे नारद जी कि देवी इस कलयुग में तुम्हारे बच्चों को पूछने वाला कोई है ही नहीं, सब तुम्हारे ही साम्राज्य में खोए हुए हैं। अब देवी बोली तो नहीं, आपको मेरे पुत्र को ठीक करना होगा, नहीं तो मैं इदम स्थानम परित्यज, मैं इस स्थान का भी परित्याग कर दूंगी और दूसरे देश विदेश में चली जाऊंगी। इस प्रकार क्या मैया? नारद जी बोले तो फिर आप शांत सांत्वना दी और बोले मैं आपके बच्चों को जगाने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार कह करके मैया नारद जी के इन वचनों को सुन करके भक्ति महारानी फिर बोली तो फिर महाराज परीक्षित ने छोड़ क्यों नहीं, मार क्यों नहीं दिया? परीक्षित को छोड़ा महाराज, परीक्षित ने इस कलियों को छोड़ क्यों दिया, मारा क्यों नहीं? तब नारद जी बोले अरे मार भी कैसे देते, वो परम वैष्णव थे और वह उनकी शरण में आ गया। और परीक्षित परम वैष्णव थे इसलिए तो उन्होंने नहीं छोड़ा। और दूसरा क्या महाराज, उन्होंने एक बड़ा सुंदर गुण देखा। क्या गुण देखा? गुण ये देखा कि जो भी इस कलयुग में हरि नाम संकीर्तन करता है वह इस भव सागर को पार कर लेता है। ये गुण देखा महाराज, प्रसन्न हो गए और उन्होंने कलयुग को छोड़ा। मैया नारद जी के बारे नारद जी ने जब प्रभु नाम महिमा का वर्णन किया तब भक्ति महारानी नारद जी की स्तुति गाने लगी। जयति जगति मायां यस्य काया धवस्ते, 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 जयति
सुंदर नारद जी की स्तुति गई है देवी। देवी भक्ति कहती है नारद जी, आपके ही प्रताप से, आपके आशीर्वाद से कयाधु नंदन प्रहलाद और सुनीति नंदन ध्रुव ने हरि पद की प्राप्ति करी थी, अचल पद की प्राप्ति करी थी, ऐसे श्री नारद की मैं ग्रहण शरण ग्रहण करती हूँ। बोला भक्त वत्सल भगवान की। अपनी स्तुति सुन करके नारद जी सांत्वना देते हुए कहते हैं, आप शांत हो जाइए और हरि के चरणारविंदों का स्मरण करिए, इससे आपके सारे दुख अपने आप ही दूर हो जाएंगे। मैया सांत्वना दी और बोले, फिर आप तो गोविंद के प्राण बल्लभ हो, जहाँ बुलाती हो गोविंद तो वहीं चले आते, क्योंकि प्रभु खिंचे हुए बंदे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंदे हुए चले आएंगे। जरा तारों सितारे मिला कर तो देख, जरा तारों सितारे मिला कर तो देख, जरा सांवरे को दिल से बुला कर तो देख, जरा सांवरे को दिल पे बुला कर तो देखो, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। सरकार की जय हो। कालियों की सेवा देते हुए बोलो भागवत भगवान की जय हो। पाया धन्नान पत्थर को प्रभु मान कर, पाया के वटन धो दो चरण धूल को, पाया के वटन धो दो चरण धूल को, पाया के वटन धो दो चरण धूल को, चरणों में मस्तक झुका कर तो देख, प्रभु खिंचे हुए बंदे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंदे हुए चले आएंगे, जरा तारों सितारे मिला कर तो देख, जरा तारों सितारे तो देखो, जरा सांवरे को दिल से बुला कर तो देख, प्रभु खिंचे हुए बंदे चले तोड़े आएंगे, भगवान की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो। उसके मिला रघुवर तेरी नैया किनारे से क्यों ना लगे, तेरी
नैया किनारे से क्यों ना लगे, तेरी नैया किनारे से क्यों ना लगे, तेरी नैया किनारे से क्यों ना लगे। उनका नाम तू, उनका नाम तू, उनका नाम तू दिल पे लिखा कर तो देख, उनका नाम तू दिल पे लिखा कर तो देख। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए थोड़े आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए उनके दर से नहीं कोई खाली गया, उनके दर से नहीं कोई खाली गया, उनके दर से नहीं कोई खाली गया, उनके दर से नहीं कोई खाली गया। उनके आगे तू, उनके आगे तू, उनके आगे तू झोली फैला कर तो देख, उनके आगे तू झोली फैला कर तो देख। प्रभु पीछे हुए बंदे हुए मस्तक झुका कर तो देख, चरणों में मस्तक झुका कर तो देख। उनका नाम तू दिल पे लिखा कर तो देख, उनका नाम तू दिल पे लिखा कर तो देख। उनके आगे तू झोली फैला कर तो देख, अरे उनके आगे तू झोली फैला कर तो देख। जब पीछे हुए बने हुए आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने बताया कि इसके लिए आपको सत्कर्म करना होगा। और नारद जी संकाद ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों में इसी सत्कर्म को खोजने आया था। अच्छा महाराज, अंत में नारद जी बोले, मैं तो सोच रहा था कि अब भगवान बद्री विशाल से पूछूंगा, आप कोई नहीं बता इसीलिए भगवान बद्री विशाल के पास आया था, परंतु भगवान बद्री विशाल तो मिले नहीं, आप मिल गए। अब आप ही बता दीजिए मैं सत्कर्म क्या, क्योंकि आप तो तेजस्वी ब्राह्मण हैं, तेजस्वी संत हैं, इस बात पर सरकार जी कहते हैं, अरे इतनी सी बात पर आप इतने उदास हो गए। सरकार जी कहते हैं, महाराज वो उपाय परमहंसों द्वारा गाई गई श्रीमद भागवत, श्रीमद भागवत की कथा करवाइए, दोनों ज्ञान एवं वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। अच्छा।
अच्छा महाराज, तो फिर ये कथा आप ही सुना दीजिए। परंतु मैंने तो ये कथा सुनी है। फिर नारद जी को बहुत से दृष्टांत देकर समझाया, नारद जी समझ गए, तो गंगा द्वार पे पहुंचे और वहीं पर कथा प्रारंभ हुई। बोल भक्त वत्सल भगवान की। गंगा द्वार पर एक छोटा सा मंच बनाया गया, उसी पर बैठकर चारों भाई वक्ता बनकर कथा सुनाने लगे और श्रोता जितने भी आए सब कथा सुन रहे हैं। कथा प्रारंभ हुई और थोड़ी ही देर में, बस महात्म्य ही चल रहा था कि उतनी ही देर में भक्ति सुता तरणोग्रहीत्वा प्रेम करूपा सहसा विरासी सुता तरणोग्रहीत्वा प्रेम करूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे गोविंद हरे मुरारी नाथे ती नामानि मोर वदंती नाथे ती नामानि मोर वदंती श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारा वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री नाथ नारायण वासुदेवा हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे भक्ति महारानी महात्म्य श्रवण करके प्रकट हुई। सनकार ऋषियों ने उन्हें बैठने का स्थान दिया और कथा सुना रहे हैं। क्या कह रहे हैं? त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय में श्री हरि की प्यारी भक्ति विराजत है। मम हृदय भवन प्रभु तोरा तहराई बसे बहु चोरा मम हृदय भवन प्रभु तोरा तहराई बसे बहु चोरा अति कठिन करहिं बर जोरा मानहिं नहीं विनय निहोरा अति कठिन करहिं बर जोरा जाने अनाथा
मारे दया भवन प्रभु तोरा कहराई बसे बहु चोरा मारे दया भवन प्रभु तोरा कहराई बसे बहु चोरा अति कठिन करहिं बर जो सबसे धनवान है जिसने जिसके हृदय में श्री हरि की प्रिया भक्ति विराजत है। मैया अब इतनी कथा सुनने के बाद से अब नारद जी कहते हैं महाराज अब बताइए अब एक अंतिम प्रश्न और है, एक प्रश्न और है मेरा। क्या इस कथा को सुन के कैसे कैसे भाभी करते हैं? भक्तवत्सल भगवान की इस कथा को सुनकर के कैसे कैसे पापी तरते हैं ये मेरा है मैया। ये प्रश्न सुना तो सनकादि बोले महाराज आप कैसे कैसे की बात कर रहे हैं? जो पांच प्रकार के महापाप होते हैं वह जो पांच प्रकार के महापाप ही होते हैं और जो उनके साथ रहते हैं वह भी इस कथा को सुन के तर जाते हैं। मैया अब नारद जी बोले अच्छा तो कोई प्रमाण है आपके पास? ये सुन करके नारद जी की बात सुनकर सनकादि बोले हाँ है तो सुनाइए। बोले यमुना तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर बसा हुआ था। वहां पर एक उत्तम नगर था। उस नगर में एक आत्मदेव शर्मा करके ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण बड़े सत्य प्रतिज्ञ द्विज बहुत सुंदर संस्कारी थे। संस्कारी कुल उत्पन्न थे परंतु इनकी एक पत्नी थी श्रीमती धुंधली देवी। धुंधली जी जैसा स्वभाव आत्मदेव जी का उससे पूरा विपरीत स्वभाव धुंधली का। मैया जहां आत्मदेव जी धीर स्वभाव वाले वहीं उनकी पत्नी खूब झगड़ा घर के कार्यों में शूर थी और कृपण थी कंजूस थी। जब तक वो दूसरे एक दूसरे से दूसरे की बात ना कर ले तब तक उसके पेट का भोजन नहीं बचता था। मैया दोनों का बिल्कुल विपरीत स्वभाव है। पता नहीं जब इनके गुण मिलान हुए होंगे तो कैसे इनके गुण मिलान हुए। प्रेम से बोली राधे राधे। मैया बिल्कुल विपरीत स्वभाव है दोनों का परंतु फिर भी आया व्यास जी क्या लिख रहे हैं? व्यास जी लिख रहे हैं कि दोनों दंपति प्रेम से जीवन जीते थे। विपरीत स्वभाव होने के बाद भी मैया इनमें मात्र कोई तो कमी नहीं थी परंतु एक कमी थी। क्या कमी थी? एक कमी उनकी ये थी कि इनको बच्चा नहीं था, इनका संतान नहीं थी। इसी कारण ये बड़े दुखी रहते थे। एक दिन द्विज ब्राह्मण आत्मदेव
बहुत ही ज्यादा दुखी हुए और कहाँ चले कहाँ चले गए? वनम गतः, वन में चले गए। वन में चले गए, वहां जाकर के उन्होंने वही एक सरोवर के पास एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया और विश्राम कर ही रहे थे तभी दो घड़ी के बाद एक सन्यासी महात्मा वहां से गुजरे। सन्यासी महात्मा को देखा तो आवाज लगाई। सन्यासी महात्मा ने भी देखा ब्राह्मण पूरा है। गए, पूछा क्या बात है द्विजवत, आप रो क्यों रहे हैं? तब वह बोले कि महाराज ऐसा जीवन तो व्यर्थ ही है जिसमें संतान प्राप्त न हो, उसकी कुल परंपरा व्यर्थ है। इस प्रकार अपने ऊपर धिक्कार करने लगा। जब इस प्रकार सुना तो ब्राह्मण देवता बोले अरे इन बेटा बेटी में कुछ नहीं रखा, तुम तो हरि का भजन करो, सकुशल ब्राह्मण हो। परंतु ब्राह्मण कहां मानने वाले थे। बहुत वार्तालाप करने के बाद उनके हाथ में एक फल थमा दिया सन्यासी जी ने, काले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना और कहना एक वर्ष तक धर्म कर्म का पालन करे और स्नान ध्यान इत्यादि का बहुत ध्यान रखें। इस प्रकार कुछ कर्म व्रत बताए और ब्राह्मण देव वहां से चल पड़े। ब्राह्मण देव गए, अपनी पत्नी को फल दिया, पत्नी को फल दिया और ब्राह्मण देवता संध्या वंदन करने चले गए। इधर धुंधली लगी कुतर्क करने। महाराज धुंधली सोचने लगी फल खाऊंगी तो पेट बढ़ जाएगा, पेट बढ़ जाएगा तो पेट में की सारी जगह बच्चा घेर लेगा, खाया पिया कुछ हो जाएगा नहीं, तो जब कुछ खा पी नहीं पाऊंगी तो फिर घर के काम काज कौन संभालेगा। मैया खूब उतर किया और अंत में वो फल खाई गई। उसी दिन संयोग से उसकी सखी आ गई, सखी से वही बात करी। सखी बोली अरे तू खा ले ये सब कुतर्क छोड़, पर धुंधली कहां मानी। उस अब हार कर उसकी सखी भी चली गई। उसके बाद उसकी बहन आई, बहन आई उससे कहा बहन एक काम कर तू ये फल गाय को खिला दे, मैं अभी गर्भवती हूँ, जब मेरा बच्चा होगा तो मैं रात किसी भी समय तुझे छुप करके इसे भिजवा दूंगी, और रही पतिदेव की बात तो तू कुछ धन दे करके उन्हें प्रसन्न कर देना। अच्छा महाराज ठीक है। इस प्रकार निर्णय हुआ। कालांतर में जब धुंधली की बहन को पुत्र प्राप्ति हुई तो उसने अपने पुत्र को अपने पति के हाथों अपनी बहन के यहाँ भिजवा दिया और धुंधली से कुछ धन भी ले लिया। मैया इधर गाय को जो फल खिलाया था वह संत के ज्ञान का प्रसाद था, इसलिए उससे गोकर्ण जी महाराज प्रकट हुए और वो भी मनुष्य आकार बालक प्रकट हुआ गाय के गाय से। मैया गाय ने मनुष्य आकार बालक को जन्म दिया। सभी लोग आत्मदेव ब्राह्मण को बधाई देते हैं और अब नामकरण किया, जो गौ का बेटा था उसका नाम रख दिया गौकर्ण, क्योंकि उसके कान गाय के समान थे। और उसके बाद जब अपने बेटे का नाम रखने ही जा रहे थे उतनी देर में धुंधली आ गई, बोली महाराज 9 महीने मैंने दर्द सहा और आप नामकरण करेंगे, नामकरण भी वही करेंगे। अच्छा तो करो, क्या नाम रखना है बता दो। मेरा नाम धुंधली, मेरे बच्चे का नाम होगा धुधुकारी। दोनों का नामकरण हुआ, दोनों बच्चों ने खूब ख्याति प्राप्त करी, परंतु एक हुए गौकर्ण जो पंडित ज्ञानी हुए और एक हुआ धुंधकारी जो महा
चले भगवान की। भैया एक दिन धंधकारी अपने पिता माता जी को धन के लिए बहुत मारता है। तब पिताजी दुखी हो जाते हैं और एकांत में जाके बैठ के रोने लगते हैं। उसी समय कौन आ जाते हैं? गोकर्ण जी महाराज। और गोकर्ण जी महाराज जाके समझाते हैं, पिताजी आपको क्या ये संसार सुख रूप दिखाई देता है? क्या आपको ये संसार सुखी दिखाई देता है? असार खलु संसारों दुख रूपी विमोह का, ये तो दुख का स्वरूप, ये सुख सुखालय नहीं है। समझाया? देहि स्थिमान सरुधिरे भीमतिम तेजत्वम जायासुतादिशुसताम ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम वैराग्य रागरसिको भवभक्तिनिष्ठम। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शंकर को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि, भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। मैया समझाया पिताजी को, पिताजी को समझाया, पर गोकर्ण जी की एक एक बात आत्मदेव ब्राह्मण के मस्तिष्क में बैठ गई और वह तुरंत ही वन की ओर प्रस्थान कर गए। वन में भागवत जी के दशम स्कंद का पाठ करते करते वह हरिपद को प्राप्त हुए। भूल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। धंधकारी गृहे तृष्टन पंचपण्य वधू व्रतः, धंधकारी अपने घर में पांच वेश्याओं को ले आया। पांच वेश्याएं घर में आ गई, अब वह उनके लिए महान अधर्म करने लगा। महाराज बहुत अधर्म, खूब अधर्म किया। और एक दिन सभी वेश्याओं ने ये आपस में इकट्ठी हुई और बातचीत करने लगी, देखो बहनों ये हमारे लिए रोज चोरी करता है, कभी ना कभी तो ये राजा के द्वारा पकड़ा ही जाएगा, इसे तो दंड मिलेगा ही, साथ में हमें भी दंड मिलेगा और हमारा धन भी चला जाएगा, इसलिए इससे अच्छा है कि हम इसे ही मारें। उन्होंने रात को जब वह आया तो उसे मदिरा इत्यादि का पान कराकर मनोन्मत करके सुला दिया। जब वह सो गया तो फिर जब वह मदोन्मत होकर के सो गया तब एक वेश्या ने उसे खटिए से बांध दिया और फांसी के फंदे भी लटकाना चाहा, परंतु जब फिर वह ना मरा तो सभी वेश्याएं उसे मिलके बहुत मारने लगी, लाठी से मारने लगी। वह जब चीखा चिल्लाया तब एक वेश्या ने दौड़ के जाके ला करके जलते हुए अंगारे उसके मुख में ठूस ठूस कर उसे मार डाला। तप्तांग रसमहांश्च
ज्वालात दुखेन व्याकुलो गता। मैया और सभी वैश्याओं ने उसे वहीं घर के आंगन में गाड़ दिया और पांचों धन का बंटवारा करके अपने अपने घर को चली गई। बोला भक्तवत्सल भगवान की, बोल राधा रमण सरकार की जय। एक बार गोकर्ण जी घूमते घूमते अपने ही नगर में आ गए। सबसे छुपते छुपाते वह अपने घर के अंदर गए और आंगन में लेटे, परंतु आंगन में लेटे रात्रि हुई तभी भयंकर आवाजें सुनाई देने लगी। तभी उनके सामने प्रकट हो गया भेड़ का बच्चा, भैंस का बच्चा बन जाए, कभी वो हाथी बन जाए, कभी वो राजा बन जाए, कभी वो इंद्र बन जाए, कभी वो आग का गोला बन जाए, वह वेश बदल रहा था। ये देखकर गोकर्ण समझ गए ये कोई ना कोई भूत है और तुरंत हाथ में जल लिया और अभिमंत्रित कर जैसे ही छटका तो वह भूल पड़ा। अहम भ्राता त्वदेवोऽस्मि, हे गोकर्ण मैं तुम्हारा भाई। धुंधकारिति नामतः, धुंधकारी नाम वाला। स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मास्तु नाशितम् मया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोल राधारमण सरकार की जय हो। मैया वो बोला कि मैं तो यहाँ प्रेत बनकर भटक रहा हूँ, तुम हमें इस प्रेत योनि से। भैया गोकर्ण जी ने कहा अभी तुम अपने स्थान पर जाओ, सुबह मैं कोई निर्णय करूंगा, अभी रात्रि में मैं कुछ निर्णय नहीं कर सकता। सुबह उन्होंने विद्वानों की सभा बुलाई, सारे शास्त्रों को उल्टा पलटा के देखा गया पर कहीं भी ऐसा कोई रूल नहीं मिला, ऐसा कोई धर्म नहीं मिला कि गया श्राद्ध होने के बाद भी किसी की मुक्ति नहीं हो। मैया ऐसा कहीं कोई धर्म ही नहीं मिला। फिर अब बड़े उदास हो गए गोकर्ण, तब उन्होंने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया और सूर्य भगवान से ही पूछा कि अब आप ही बता दीजिए हम क्या कर सकते हैं। तब वह बोले गोकर्ण महाराज बोले कि अब तुम्हें श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान कराना चाहिए, उसी से अब ये तुम्हारे भाई को मुक्ति प्राप्त होगी। मैया गोकर्ण जी को मुक्ति का साधन मिल गया, उन्होंने भागवत कथा का आयोजन किया और सात गांठ वाला एक बांस, धुंधकारी आकर उसी सात गांठ वाले बांस में बैठ गया और जैसे एक दिन की कथा विश्राम होती तो वह एक बांस की गांठ चपक जाती। इसी प्रकार जैसे सातों दिवस की कथा विश्राम हुई वैसे उस बांस की सातों गांठें चपक गई, सातों गांठें चटक गईं और उसमें से एक नील वर्ण का सुंदर सा पुरुष प्रकट हो गया। वह नील वर्ण का पुरुष कोई और नहीं धुंधकारी था। उसके गले में वैजंती की मालाएं सुशोभित थी, तुलसी की मालाएं सुशोभित थी, हाथों में कंगन थे, कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे, सर पर मुकुट था, उसने मोर पहना हुआ था। वह बड़ा सुंदर स्वरूप वाला
ही प्रकट हुआ है तो उसने जा करके पहले गोकर्ण जी को प्रणाम किया। गोकर्ण जी ने पूछा, भैया तुम कौन हो, कहाँ से आए? हमने पहले तो तुम्हें कभी देखा नहीं और अभी आए हो, कहाँ से आए? तब धुंधकारी बोला, भैया मैं तुम्हारा वही भाई हूँ जिसने अपने दोषों के कारण अपने ही ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया। भैया जैसे बात सुनी तो प्रसन्न हो गए गोकर्ण, और जैसे कथा विश्राम हुई वैसे ही विमान लेकर के भगवान के पार्षद प्रकट हुए। परंतु बात ये थी कि एक ही विमान आया था, अब एक ही विमान में इतने सारे श्रोता तो जा नहीं सकते थे, तो फिर महाराज अब क्या करें, अब क्या करें? तो गोकर्ण जी गए, पूछा, महाराज आप एक ही विमान क्यों लाए? यहाँ तो करोड़ों श्रोता है, आप एक ही विमान लेकर के आए, ऐसा क्यों? तब पार्षद बोले, हम एक विमान इसलिए लाए क्योंकि कथा तो सबने सुनी परंतु सबके कथा श्रवण में बड़ा भेद हो गया। गोकर्ण जी आपने जो कथा सुनाई उस कथा को सबसे ज्यादा ध्यान से धुंधकारी ने ही सुना, बाकी सबके कथा सुनने में भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कमी थी, भक्ति की कमी नहीं, इसलिए हम एक ही विमान लेकर के आए। अच्छा महाराज, इस बात पर उन्होंने कहा कि देखिए अभी भी आप कुछ चिंतित होने की बात नहीं है, आप एक बार और कथा का आयोजन करिएगा और इस बार यदि सभी ने मन लगा कर कथा सुन ली तो हम बिल्कुल ये सत्य है कि हम सभी के लिए विमान लेकर आएंगे, यहाँ जितने श्रोता रहेंगे उतने विमान आएंगे। ये सुन करके प्रसन्न हो गए गोकर्ण और एक बात और समझा करके गए, क्या? श्रवणस्य अविभेदेन फलभेदो त्र संस्थितम्, श्रवणम तु कृतम सर्वैं तथा मननम कृतम्। ये जो कथा है मैया, कथा में तीन प्रकार के श्रोता आते हैं। पहला जो कथा को एकाग्र भाव से सुनता है और घर जाके उस पे अमल भी करता है, दूसरा जो कथा सुनता हमें कुतर्क ज्यादा करता है कि व्यास जी अब आगे ये बोलेंगे, व्यास जी ने ये छोड़ दिया, ये कुतर्क ज्यादा करता है और इसी प्रकार 3 घंटे बर्बाद कर देता है। और ये तीसरे प्रकार के वक्ता होते हैं जिन्हें कथा से कोई मतलब ही नहीं रहता, तो कथा में सुनने के लिए आते हैं। इसलिए मैया ये कथा कोई मनोरंजन इत्यादि की चीज नहीं है, इस ये कथा सुनकर अमल करने की। मैया एक बार पुनः गोकर्ण जी ने श्रावण मास में कथा का आयोजन किया और जैसे कथा का आयोजन किया जैसे सातों दिन की कथा विराम हुई वैसे ही भगवान अपने पार्षदों के साथ वहां प्रकट हुए। और मैया आश्चर्य देखिए, जितने श्रोता उतने विमान, जानवरों ने भी कथा सुनी उनके लिए भी विमान आए हैं आज, और साक्षात श्री हरि प्रकट हुए, उन्होंने आकर के गोकर्ण को हृदय से लगाया, विमान में बैठाया सभी को, और जैसे अयोध्या वासिनः पूर्वम, अयोध्या धाम में जैसे पूर्व काल में भगवान राम अयोध्या वासियों को अपने साथ अपने साकेत धाम ले गए थे, वैसे ही आज भगवान के साथ पूरा श्रोता समाज भी हरि के परम पद को प्राप्त हो गया। मैया अब सनकादि कहते नारद जी,
आपका प्रश्न तक कैसे कैसे पापी करते हैं। अब आप ही बताओ, धुंधकारी जैसा माखन तरी है तो छोटे मोटे पापी तो यूं ही तरसते हैं। मैया ये सुन करके नारद जी गदगद हो गए और मैया अब ये कथा तो हमने कई बार सुनी होगी परंतु इसका आध्यात्मिक भाव हमें समझना चाहिए। आइए एक बार हम इस कथा का आध्यात्मिक भाव समझते हैं, फिर हम आगे की कथा श्रवण करेंगे। ये तुंगभद्रा क्या है? तुंगभद्रा हमारे शरीर, इसमें उत्तम नगर का मार्ग प्रशस्त होता है और इसके अंदर कौन रहते हैं? आत्मा यानी आत्मदेव और उनकी पत्नी है धुंधली। धुंधली कहाँ रहती है? धुंधली रहती है यहाँ बुद्धि, ये हमारी बुद्धि ये धुंधली है। और क्या, इसलिए जब भी हम कथा में आए तो अपनी बुद्धि को, बुद्धि रूपी इस धुंधली को ये कभी प्रसाद ग्रहण नहीं करती, ये बहुत कुतर्क करती है। इसलिए जब भी कथा में आओ तो अपनी बुद्धि को कथा का चिंतन मनन कर करके अवश्य चलाओ। बोला भक्तवत्सल भगवान की, बोल राधा रमण सरकार की जय हो। मैया जब आत्मदेव जी को धुंधकारी ने इस संसार की भवाटवी में भगा दिया था, तब वही गोकर्ण आए और उन्होंने ही मार्ग प्रशस्त करके बताया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोल राधा रमण सरकार की जय हो। मैया अब प्रश्न उठता है, गंगा श्राद्ध होने गया श्राद्ध होने के बाद भी धुंधकारी की मुक्ति क्यों नहीं हुई? अब सबके मन में आता होगा कि जब गया श्राद्ध हो गया तो धुंधकारी की मुक्ति कैसे हुई, क्यों नहीं हुई? तो अब आप ही बताइए, धुंधकारी किसका बेटा था? न तो धुंधली का और ना ही आत्मदेव का। किसका बेटा था? धुंधली की बहन का। जब आत्मदेव जी का और उसका गोत्र अलग, तो फिर मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, क्योंकि धुंधकारी का गोत्र अलग और आत्मदेव जी का गोत्र अलग, क्योंकि जब मंत्रोच्चार हुआ होगा तब किसका गोत्र लिया गया होगा? आत्मदेव जी का, क्योंकि सबको यही पता है कि आत्मदेव जी के ही बेटे, तो आत्मदेव जी का गोत्र लिया गया होगा। और दूसरी बात, वहां पे गोकर्ण जी थे, गोकर्ण जी किसके पुत्र महाराज? गौ के। तो कैसे मुक्ति प्राप्त हो मैया? और संत इस प्रकार बड़ा सुंदर आध्यात्मिक भाव बताते हैं और नारद जी अब बोले, महाराज अब तो एक अंतिम प्रश्न और करूंगा। भागवत की कथामृत पान करने का नियम व्रत क्या है? इस कथा को श्रवण करने का कुछ नियम व्रत है मैया? नारद जी का ये प्रश्न सुन करके सनकादि बोले, हाँ तो कथा कराने में कितना खर्चा है? कथा कराने में मैया वस्तुतः हर यजमान का पहला प्रश्न यही रहता है, कथा कराने में कितना खर्चा है? आज सबसे पहले सनकादि भी यही कह रहे हैं, सबसे पहले इसी का समाधान किया है कि जब कोई पिता अपनी बेटी का विवाह करता है तो अपनी बेटी के विवाह करने में जितना धन वह लगाता है उतने ही धन से यह कार्यक्रम करना चाहिए।
मैया बताया विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। सनकादि कहते नारद जी ये तो सन ये सत्कर्म तो लोगों की सहायता और धन से ही हो सकता है और क्या। अब वक्ता के बारे में बताया वक्ता कैसा होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो मैया जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करे विरक्त हो वैष्णव हो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या कर सकता हो दृष्टांत कुशलो अर्थात दृष्टांत तरह तरह के दृष्टांत देने में कुशल हो और धीर हो और वक्ता कार्यो तिनस्पृह ऐसे वक्ता से ही कथा श्रवण करनी चाहिए। और क्या महाराज भोजन के बारे में बताया। वस्तुतः इसी में सबसे ज्यादा माताओं को चिंता होती है भोजन क्या करें उपवास रखें कि नहीं रखें। तो यहाँ पे वो भी बताया है महाराज हो सके तो भोजनम तो वरम मन्ये उपवास रखो उपवास नहीं रख सकते तो फिर घृतम पानम घी का पान करो। नारद जी बोले महाराज घी तो डॉक्टर साहब ने जब रोटी में चुभर के खाने से मना किया है तो फिर घी का पान कैसे करें। अब बताओ महाराज। और बोले अच्छा घी नहीं पी सकते तो दूध पियो दूध भी नहीं पी सकते तो फिर फल खाओ फल भी नहीं खा सकते तो फिर सूत जी कहते मेरे हिसाब से तो चकाचक भोजन कर ही लेना चाहिए। जब आप उपवास नहीं रख सकते घी नहीं पी सकते दूध नहीं पी सकते फल नहीं खा सकते तो फिर तो चकाचक भोजन कर ही लेना चाहिए। मैया इस प्रकार बड़ी सुंदर विधि का वर्णन किया और इसके बाद नारद जी को 7 दिवसीय इस श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करवाया एवं अंत में जब कथा विश्राम होने वाली थी उसी समय विधि में ही बताते गए कि श्रोताओं को आनंद देने के लिए सुंदर बैंड बाजे के साथ भजन संकीर्तन तो करते ही रहना चाहिए। मैया जैसे ही भजन संकीर्तन का नाम आया सुनारद जी ने अपनी वीणा उठाई ली और बोले महाराज तो आइए एक बार हम भी भजन संकीर्तन करते हैं थोड़ा। भजन संकीर्तन का नाम आया वैसे ही प्रहलाद स्थल धारी तरल गति तया उद्धव कांस धारी वीणा धारी सुर रसी स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत इंद्रोवादि मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यात्राग्ने भाव भक्त जर जर चनया व्यास पुत्रों वभूवह। मैया क्या कहते हैं प्रहलाद प्रकट हुए उद्धव प्रकट हुए ऐसे करके भगवान के सारे भक्त भगवान की पूरी भक्त मंडली प्रकट हुई। उद्धव जी क्या बजाने लगे मंजीरा उद्धव जी मंजीरा बजाने लगे। प्रहलाद जी फुर्तीले होने के कारण करताल करने लगे तानियां बजाने लगे और कौन कौन है वीणाधारी सुरश्री
वीणा धारण करने वाले ऋषि आए और स्वर कुशलतया उन्होंने मालकुन सुराग छेड़ी। मैया उन्होंने मालकुन सुराग छेड़ी और इधर इंद्रो वाद मृदंगम जय जय सुकरा। इंद्र इत्यादि मृदंग बजाने लगे और उसके बाद जय जय सुकरा सनकाल जी जयकारा लगाने लगे और यत्राग्रे भाव वक्ता सर सर चनया। ये जितने भी श्रोतागण थे ये सभी एक साथ भगवान का अलौकिक अद्भुत कीर्तन करने लगे और हमारे श्री सुखदेव जी महाराज व्यास पुत्रो बभूवः। व्यास पुत्र भगवान भागवत जी के करोड़ों सुंदर श्लोकों का गायन करने लगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। मैया सत्संग के संगीत के तीन अंग होते हैं, कौन कौन से? गायन वादन और नृत्य। अब गायन वादन तो महापुरुष कर ही रहे थे, नृत्य करने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो महाराज नृत्य करने के लिए देवी भक्ति अपने दोनों पुत्रों का हाथ पकड़ करके ताता थैया करती प्रकट हुई। बोला भक्त वत्सल भगवान की। इधर सभी अलौकिक अद्भुत कीर्तन करने लगे। भगवान उसी बीच प्रकट हुए और भगवान ने प्रकट होकर के आशीर्वाद दिया और सभी ने एक ही वरदान मांगा कि प्रभु जिस प्रकार आपने हमारी इस कथा में दर्शन दिए हैं उसी प्रकार भविष्य में जहां कहीं भी कथा हो वहां अपने दर्शन अवश्य दीजिएगा। बोल भक्त वत्सल भगवान। सभी भजन संकीर्तन कर रहे हैं और नगाह गाथा सुच सर्व भक्ति रे विस्वया भावमिति प्रयत्नात् मनोरथायम् परिपूरणीयम् तथेतिनोत्वान्तरधीयतच्च। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोल राधा रमण सरकार की जय हो। मैया अब शौनक जी पूछते हैं, सूत जी महाराज ये कथा राजा परीक्षित धुंधुकारी और नारद जी ने कब कब कितन कब सुनी थी? तब सूत जी कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण अपने स्वधाम चले गए थे उसके बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक और बीत जाने पर परीक्षित ने यह कथा सुनी थी और परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग के और 200 वर्ष बीतने के बाद आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई थी और उसके बाद 30 वर्ष और बीत जाने पर सनकादि नारद जी को यह कथा सुना रहे थे और उसके 200 वर्षों बाद मैं आप लोगों को कथा सुना रहा हूँ। इस प्रकार 6 अध्यायों में सूत जी ने भागवत जी की खूब सुंदर महात्म्य का वर्णन किया। आज पहले दिन हम सभी ने भागवत जी के महात्म्य का श्रवण किया। आज वाणी को यही विराम देते हैं। कल हम सभी लोग
सुखदेव जी का चरित्र, नारद जी का चरित्र, राजा परीक्षित का चरित्र और श्री सुखदेव जी महाराज की पूजा करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आइए एक बार झूम करके भजन करें। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। बाके बिहारी से हमारी लड़ गई। बचाई थी बहु ने गोरी लड़ गई अखियां। लड़ गई अखियां। सखीरी बाके बिहारी
रक्त भरी चितवन मेरी अखियों में लाते हो। चहुं दिस रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो। चहुं दिस रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो। कहूँ कैसे कहाँ जाऊँ, कहूँ कैसे कहाँ जाऊँ, कहूँ कैसे कहाँ जाऊँ, कहूँ कैसे कहाँ जाऊँ। पीछे पड़ गई अखियाँ कतीरी के बिहारी से हमारी पड़ गई अखियाँ, बचाई थी बहुत लेंथ से गोली लड़ गई अखियाँ, बचाई थी बहुत लेकिन गोली लड़ गई बाके बिहारी से हमारी बाके बिहारी से हमारी लड़ी गई। बोले व्यास जी महाराज की, बोले बांके बिहारी लाल की। भले से तन से निकले प्राण मगर यह छवि न निकलेगी। भले इस तन से निकले प्राण मगर यह छवि न निकलेगी। भले इस तन से निकले प्राण मगर यह छवि न निकलेगी। अधेरे मन के मंदिर में, अधेरे मन के मंदिर में बड़ी सी जल गई अखियाँ, सखी बाके बिहारी हमारी
चढ़ गई अखियां। हेलो जी, हेलो। करपूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है। श्री भागवत भगवान